भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने शून्य बजट और प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि 30 एकड़ जमीन का किसान भी जीरो बजट की खेती कर सकता है, जिसके लिए भाजपा द्वारा आने वाले दिनों में किसानों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दरअसल एक गाय गोबर और मूत्र से अपने 30 एकड़ खेत में प्राकृतिक खेती कर अपनी आय को 1.5 गुना बढ़ा सकता है। भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए 100 से अधिक खाद रेल चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि देश भर के जीरो बजट के खेती करने वाले किसान के माध्यम से सेमिनार चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। साथ ही मंडल स्तर पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंडी और किसान अनुसंधान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में शून्य बजट की खेती के मामले में देश भर में आंध्र प्रदेश एक उदाहरण है। हमारा किसानों से आग्रह है भैया कि वो गौ माता की सेवा करें। हम सब जानते हैं कि एक समय था कि आज जो गाय की स्थिति आज से लगभग कांग्रेस शासन के पहले तक कांग्रेस शासन के समय जब ये सारी बातें हुई दिग्विजय सिंह के समय, उस तब से हमारी गौ माताएं रोड पे हैं। तो आने वाले समय जैसे हमारी सरकार के माध्यम से गौशालाएं 3,000 जो जो किसानों के लिए लाभ की चीजें हैं, किसान मोर्चा उसमें कटिबद्ध है, हम लोग लगे हैं, कर भी रहे हैं। आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि ये सारे रचनात्मक प्रयोग हमारे किसान बंधु करें। आप जनजागरण में हमारा सहयोग करिए और हम काफी लोग हैं, कभी आप लोग कहेंगे तो इसका एक मॉडल भी हम भविष्य में आपको देंगे। बाकी आंध्र प्रदेश ने 2015 इस दिशा में शुरू किया, हिमाचल में ऐसा हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं।